प्रणाम, नमस्कार। आप सब लोग शायद अच्छे होंगे और मैं दिल से ईश्वर चरण यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और शांत रहें और मस्त रहें। थैंक यू। और आज मेरा आने का बहुत दो बड़े बड़े अपडेट्स हैं, बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि शायद कहीं और कोई नहीं बता रहा है। क्योंकि हाँ, पॉलिटिकल महाराष्ट्र का एनालिसिस, पॉलिटिकल मैं बहुत बड़े बड़े पत्रकारों से महाराष्ट्र के अंदर जो एनालिटिक कर रहे हैं वो शरद पवार और मोदी जी की मीटिंग के बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज बताऊंगा दीपेश सावंत के बारे में कि अंदर का पूरा कोरा चिट्ठा। मैंने हर बार बोला है आपको, दैट गाइज वॉज अ वेरी 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 डेंजरस। ये कैसे प्लांट किया गया था, क्या थी पूरी स्टोरी, अब मैं बताऊंगा आपको, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा इस बारे में। इससे पहले लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग सब्सक्राइबर है और जो लोग सब्सक्राइब करने वाले हो बेल आइकॉन जरूर बजाइए, क्योंकि मैं जाके चेक कर रहा हूँ एनालिटिक में, जितने लोग सब्सक्राइबर है वो पूरा वीडियोस नहीं देखते हैं। प्लीज आपको नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है, इसलिए कि अगर कोई अपडेट्स मैं देता हूँ, आप देखते हो कभी वीडियो डिलीट हो जाते, सो अपडेट्स तो देता हूँ तो आप तक कम से कम पहुँच सके। कुछ भी मैं चीज करता हूँ, प्रोटेस्ट हो या कोई भी चीज एक्शन कोई भी लेता हो तो आप तक पहुंच सके, या कोई लेटर के बारे में बात कर रहा हूं तो भी आप तक पहुंच तो सके कम से कम, क्योंकि आज सबको पता है नेशनल मीडिया हमारे बारे में बात नहीं कर रहा है सुशांत के बारे में, तो कम से कम आप तक पहुंच सके बातें। इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। एंड अनदर चार्ज, मैंने एज एन सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड, हर किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, अच्छी चीज है। मुझे सुशांत ने बार बार रोका है ड्रिंक या कोई भी नशा करने से, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत नशे से नफरत करता था और उसको हेट थी ये सारी चीजें, वो मुझे समझाता था। इसके लिए उसके जाने के बाद मैंने ये सोचा है, मैंने तो छोड़ी ये चीजें और इसका इफेक्ट आपको शायद दिख भी रहा होगा मेरे फिजिक पे, मेरे फेस पे, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर के लोग भी इसमें, जितने भी लोग हैं मेरे से कनेक्टेड हो, उस चैनल को ज्वाइन करें, अलग चैनल है, ताकि वो लोग किसी को भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो डाइट से रिलेटेड, हेल्थ कॉन्शियस सारे रिलेटेड, तो वो चैनल को ज्वाइन करें। योगा हो, प्राणायाम हो, डाइट न्यूट्रिशन हो, वेट लूजिंग हो, डांस क्लासेस हो, या कुछ भी हो, उस चैनल पर विजिट करें, ताकि वो मैं कर सकूँ जो सुशांत मुझे बताना चाहता था वो मैं लोगों को बता सका उसके जाने के बाद ही से। दूसरे दो चैनल्स हैं जिसमें एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, सुशांत से रिलेटेड एंटरटेनमेंट है, एक डांसिंग चैनल है, प्लीज़ उसको अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कोई इशू नहीं, लेकिन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर बजाइए। ठीक है, द नेक्स्ट वॉज थिंग, देखिए उद्धव ठाकरे जी जब नरेंद्र मोदी को मिलते हैं उसके बाद शिवसेना के ऊपर का सारा चीजें, कोई भी ईडी हो या एनसीबी हो, शिवसेना से रिलेटेड नहीं पकड़ा जाता। अब उसके बाद अब शरद पवार जी, क्योंकि ईडी चल रहा है काम, अनिल देशमुख के पीछे है ईडी, बाकी लोगों के पीछे है, सब कुछ कर रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी मिलते हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं 20 मिनट की मीटिंग है, कोई बोल रहा है 30 मिनट की मीटिंग है, कोई बोल रहा है 1 घंटे की भी मीटिंग है, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कितने घंटे की मीटिंग थी। लेकिन मेरा ये पूरा अनुमान है, 100% मेरा ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि 20 मिनट की भी मीटिंग होगी तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं उठा होगा, ये मुझे 100% में बोल रहा हूँ जरूर उठा होगा। ठीक है, ये मेरा व्यू है। लेकिन हाँ, दूसरी बात और एक बात मैं बताऊँ, जैसे ये मीटिंग खत्म होती है उसके कुछ दिनों बाद संजय राउत जी बोलते हैं कि हाँ हमारा रिश्ता तो, हमको भारत पाकिस्तान की थोड़ी ना है, हमारा रिश्ता तो आमिर खान और किरण राव की तरह है, ठीक है हम साथ साथ है, विपक्ष विपक्ष हुए तो क्या हुआ, इसका मतलब कुछ साठ गांठ मुझे लग रहा है चल रही है। अब रही बात, अब उसके बाद कांग्रेस के पीछे पड़ी रहती है, कांग्रेस के पीछे पड़ी रही है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है सारी, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, अब सारी की सारी एजेंसीज कांग्रेस के पीछे पड़ी। अब शरद पवार जी जाके मिलते हैं नरेंद्र मोदी को, मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी मिल गए, लेकिन हाँ नरेंद्र मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर है हमारे, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ऑफकोर्स अगर कोई बड़ा नेता उसे मिलना चाहे तो मना नहीं कर सकते, और मिलना चाहते मिलते हैं तो अच्छी बात है, मिलना तो चाहिए, मिलने में कोई बुराई नहीं है, हम कोई क्लेम नहीं कर सकते इसके ऊपर, लेकिन हाँ अब एक्शन क्या करेगी एजेंसीज वो जरूर है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला पूरा का पूरा पॉलिटिकल हो चुका है। इसके लिए मैं ये एनालिटिक करके आपको बता रहा हूँ, अंदर की खबरें बता रहा हूँ। रही बात दीपेश सावंत की, मैं आपको बात करता हूँ, दीपेश सावंत है, अगर आपने देखा होगा कुछ, आपके उसके पोस्ट पे अगर जाओगे उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो वो है महेश भट्ट और भाईजान का फैन और उनके साथ कनेक्टेड था पहले, सुशांत सिंह राजपूत के पहले। अब मैं बताता हूँ हिस्ट्री, 2019 में एक ईमेल आया था
जब 2019 में जब अंकित सुशांत के साथ था, तब एक ईमेल आया था सुशांत को रिया की तरफ से कि आप मुझे इस सड़क टू का एक स्क्रिप्ट है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर महेश भट्ट जी चाहते हैं आप उसमें रोल करो। क्यों? क्योंकि देखो महेश भट्ट या मतलब अशरफ भट्ट, वो अगर रिया को कास्ट करते हैं तो वो फिल्म चलने के लिए तो है नहीं, तो उसमें कोई ना कोई बड़ा स्टार चाहिए। संजय दत्त भी एक तरह से ओल्ड हो चुका है, संजय दत्त के नाम पे फिल्म नहीं खींच सकते। तो सुशांत सिंह राजपूत को महेश भट्ट चाहते थे ले ले पिक्चर में, ताकि रिया की वजह से अगर सुशांत आता है तो चलो रिया को एक रोल दे देंगे, और उसके बाद संजय दत्त सड़क का वन का थोड़ा सा क्लाइमेक्स दिखा के, पूजा भट्ट का थोड़ा दिखा के वो पिक्चर निकाल लेंगे सुशांत के नाम पे। ठीक है, अब ये कोशिश थी महेश भट्ट की, लेकिन महेश भट्ट जैसे आदमी के साथ सुशांत सिंह राजपूत काम ही नहीं करता था। मैंने ये आज तक में भी बताया था, बहुत जब मीडिया पे चल रहा था, मैं शायद उसका क्लिप भी साइड में आपको दिखा दूंगा। अगर इसमें महेश भट्ट का नाम महेश भट्ट नहीं है, मुझे महेश भट्ट का नाम अशरफ भट्ट है। जो आदमी नाम गलत यूज करता है, सच नाम लेके सामने नहीं आता, उसकी बात का क्या भरोसा करोगे? उसका नाम अशरफ भट्ट है, महेश भट्ट नाम भी नहीं है उसका। और एक मिनट, जो मीडिया ट्रायल बोल रहे हैं ना, मीडिया ट्रायल नहीं है। आज मीडिया की वजह से ही और पब्लिक जनता का सपोर्ट की वजह से ही ये केस आगे आया है। आप लोगों ने तो इसको बंद कर दिया था, आप लोग आज भी उसको मीडिया ट्रायल बोल रहे हो। मीडिया कितना सपोर्ट कर रही है इस केस को, देश की जनता को सपोर्ट कर रही है, उनके घर वालों को सपोर्ट कर रही है, और आप फिर भी आप अपोजिट में आके इलॉजिकल बात करते हो। जो आपने एक बार भी शक्ल भी देखी सुशांत की? सुशांत की शक्ल तक नहीं देखी आप, क्योंकि आप लोगों से मिलता ही नहीं था आप जैसे लोगों से। वो महेश भट्ट की स्क्रिप्ट उसने रिजेक्ट कर दी थी, क्या कुछ नहीं किया है। उसका नाम अरशद भट्ट है, अशरफ भट्ट है, नेक्स्ट टाइम अशरफ भट्ट बोलिए उसको, महेश भट्ट ना बोलिए। नाम से क्या होता है भैया, नाम पे क्यों उसका इल्जाम लगा रहा हो? जो भी कुछ हुआ है हुआ है, नाम से क्या होता है? महेश भट्ट क्यों बोल रहे हो? नाम से क्या होता है, मुझे क्या पता उसका दूसरा नाम क्या है? मैं निकालूंगा पिक्चर, वो बाद में बात करेंगे। ये स्टोरी भी आती है, मैं बताता हूँ। अंजना जी, अंजना जी, वो दूसरी कहानी। अरे भैया वो दूसरी कहानी है, वो दूसरी कहानी है, नाम में क्या है? ठीक है, गणेश जी कुछ बोल रहे सुन लेते हैं। अंजना जी, अंकित मेरे साथी है, अंकित ने मुझे कल बताया कि सुशांत भैया ने उसको बताया था, सुशांत ने उसको बताया था कि सड़क टू रिया नाम की लड़की ने मुझे अप्रोच किया है महेश भट्ट के साथ फिल्म बनाने को। या अंकित ने मुझे बताया, और उसके बाद रिया उसकी जिंदगी में तब नहीं थी, ये प्लानिंग थी महेश भट्ट की, कि क्योंकि महेश भट्ट जैसे आदमी के साथ तो काम ही नहीं करना चाहता था, वो तो बहुत हाई लेवल प्रोफाइल के साथ कर रहा था, तो उसने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। और फिर रिया उसकी लाइफ में, क्योंकि रिया को इतनी बड़ी फिल्म देगा कौन? महेश भट्ट भी रिया को फिल्म दे रहा था, इसको हीरोइन ले रहा था, क्योंकि सुशांत आने वाला, सुशांत आ सकता था उसकी वजह से, ये प्लानिंग थी। लेकिन महेश भट्ट को मना कर दिया सुशांत ने, उसके बाद उन्होंने ट्राई किया कि चलो पैसे ही ले लो, और पैसे लेके ये इलीगल दवा देना, ये करना, वो करना, सारी की सारी प्लानिंग थी। जैसे पैसे खत्म हो गए, उसको छोड़ के चलेगी, नंबर ब्लॉक कर दिया, वाह। और लास्ट में आके अगर आप नुकुपुर हॉस्पिटल में एक बार मिल लिए हो, तो उधर जाके सोरल में जाने की जरूरत क्या थी? फिर एक बार देख लिया ना सुशांत को, वहां पे भी जा रहे हो, 10 मिनट अंदर क्या कर रहे थे? और ऊपर जाके सॉरी बाबू बोल रहे हो, अभी इतने सारे गवाह करने के बाद, इतने सारे चीजें बोलने के बाद भी आप सॉरी बाबू का मतलब कुछ और निकाल सकते हो? कितनी इलॉजिकल बात है ये। रहा तो उसके बाद वो मेल आया, और उस मेल में सुशांत हमेशा जितने भी फिल्म लोगों के साथ उसने काम किया, बी क्लियर, वो उसका पहले उस टाइम अभिषेक कपूर ले लो, कायपोचे या केदारनाथ ले लो, उसके बाद जो भी थे वो सस्पिशियस नहीं थे अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड, बोले कुछ होंगे लेकिन ये नहीं थे। तो वो काफ़ी समझदार लोगों के साथ काम कर रहा था, नीरव पांडे हो गए, धोनी के ये, और इस टाइप से था। लेकिन जब महेश भट्ट का है, महेश भट्ट वेरी सस्पिशियस मैन, तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि महेश भट्ट जैसे लोगों के साथ सुशांत सिंह राजपूत काम ही नहीं करना चाहता था। ये भी मैंने आज तक में बोला था बहुत पहले अंजना और कश्यप जी के सामने। ठीक है, अब हल्ला बोल मैं, और उसके बाद अब ये बात को खलने वाली बात हो गई, क्योंकि इनके पास बहुत ईगो रहता है। तब उसके बाद कुछ दिन बाद रिया प्लांट होती है, दीपेश सावंत प्लांट होते हैं, अंकित को बाहर किया जाता है, वो पुराने दोस्तों को बाहर निकाला जाता है, नंबर्स चेंज किए जाते हैं, और उसके बाद कई सारी चीज़ें होती है। आप अगर दूसरी चीज़ देखोगे तो इनफैक्ट दीपेश सावंत इज ऑल्सो फैन ऑफ भाईजान, उनका भी फैन है। अब ये सब प्लांटेड चीज़ें थी। और अगर आज की डेट में दीपेश सावंत कहाँ है, आज की डेट में दीपेश सावंत फरहान अख्तर के घर पे काम कर रहे हैं। अगर आपको मिलना है तो आप जाइए, सुबह रोज उसका कुत्ता घुमाने चलाता है वो, और जाता है।
ये अपडेट थी दो रोशी से, एक पॉलिटिकल से रिलेटेड है शरद पवार जी का। अब आगे का एक्शन हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, NIA हो, CBI हो, ED हो या क्या हो, ये वाकई में काम करती है कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि शिवसेना के खिलाफ तो अब काम नहीं कर रही है। और दूसरा, ये एजेंसी अपना दीपेश सावंत का मैंने आपको बता दिया, जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें पूरा क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें, कि बीजेपी सरकार नहीं गिराना चाहती, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था। और शिवसेना और कांग्रेस खुद चाहते कि सरकार गिर जाए, लेकिन क्योंकि बीजेपी के सर पे सारा सारा कचरा मर दे, क्योंकि 2 साल में जिन्होंने पूरा कचरा कर दिया महाराष्ट्र का, वो सर पे कोई नहीं लेना चाहता। और सीधी सीधी बात है, 106 या 105 सीटें इनके पास है, 4-5 अगर छोटे मोटे मिला के 110 हो भी गए तो इनको और 35 सीटें लगेगी बीजेपी को सरकार बनाने में, और 35 सीटों के चक्कर में वो 35 के 35 लोग, कोई ये मिनिस्ट्री मांगेगा, कोई वो मिनिस्ट्री मांगेगा, पूरा खेल। इसीलिए बीजेपी सरकार बनाना ही नहीं चाहती, गिराना ही नहीं चाहती, और ना ही ये करना चाहती, क्योंकि उनको क्लियर कट पता चल चुका है, क्योंकि ये और 1-2 साल 3 साल जो बाकी है उसमें और ही कचरा ही करने वाले हैं, क्योंकि वैसे ही कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है, सुशांत सिंह राजपूत की वजह से पूरा का पूरा महाराष्ट्र में इस तरह पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड ओपन हो चुका है, पूरा ये वसूली कांड ओपन हो चुका है, पूरा हत्याकांड ओपन हो चुका है, ड्रग्स माफिया ओपन हो चुका है। तो अब नहीं, तो बीजेपी बाद में ऑटोमेटिकली, क्योंकि जनता इंटरेस्ट हो जाएगी कि ये लोग नहीं चाहिए, ये 3 ऑटो वाली रिक्शा वाली सरकार नहीं चाहिए हमें, कोई एक सरकार चाहिए, उसके अलावा कोई भी हो, तो उनको पता है वो आने वाले। अब रही बात, ये सब दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, अब रही बात सबसे बड़ा सवाल, कब मिलेगा जस्टिस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिस सुशांत के लिए हम लड़ते रहे, नॉट एन अमन सुशांत, दिशा भी थी, बहुत सारे लोग थे, जिस लेकिन हम सुशांत के लिए लड़ते रहे, जिस सुशांत के लिए हमने रात दिन रात एक करके ट्वीट किए, प्रोटेस्ट किए, मिस कॉल किए थे, रिपब्लिक भारत देख देख के हम लोग मांग कर रहे थे CBI फॉर SSR, कितनी माए रोई है, मैंने तो खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, 70 साल की लेडी मेरे पैर छू रही है, तो मुझे तो पहला जीवन का ऐसा एक्सपीरियंस था कि रोना ही आ रहा था, मैं क्या बोलूँ उस बारे में, लेकिन ऐसे चीज़ें हमारे साथ हुई। अब मैंने जो इमोशंस देखे हैं, चलो मैं तो रहा हूँ उसके साथ, इसके लिए मेरे इमोशंस समझ में आते हैं, लेकिन उन लोगों के जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं उसको, अगर वो है तो वैसे लड़के को भी न्याय नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये बहुत नाजुक पल है, ये बहुत नाजुक पल है, इसमें आपको जैसे नाजुक पल होता है ना, कि हम कभी शादी करने के लिए लड़की देखते हैं, या फिर नाजुक पल होता है जैसे बहुत बड़े डिसीजन हम लेते हैं जीवन के, जैसे ये जॉब करना है या ये जॉब करना है, या ये आर्ट फील्ड ज्वाइन करनी है, साइंस फील्ड ज्वाइन करनी है, या फिर क्या करना है, मतलब बेसिकली मुझे किस डायरेक्शन में जाना है या क्या करना है, ये सब चीज़ें हम बहुत बड़े डिसीजन जो होते हैं लाइफ के, ये जस्टिस वाला मोमेंट का बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि अगर इनजस्टिस हुआ तो आप लोग जो सुशांत से प्यार करते हो वो पछताओगे, और आप लोग अगर सही डायरेक्शन में चले गए और आपको जस्टिस मिला तो आप उतने ही खुश होगे, और दोबारा किसी और के साथ सुशांत और किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, और सुशांत भी आपको देख के हैप्पी होगा, कम से कम भले उसके साथ उसकी जिंदगी ना बचा पाए हम लोग, लेकिन उसको जस्टिस को दिलाए अब तो यही कर सकते हैं। सो प्लीज टेक योर डिसीजन, ये नाजुक पल है, इस नाजुक पल में आपको सिर्फ ये सोचना है, या आपको YouTube वीडियोस देखने हैं, या फिर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको जगा सकूँ, एक्शन के बारे में बता सकूँ, या फिर एक्शन लेना है। रिपब्लिक भारत, आज तक और बाकी सारे मीडिया न्यूज चैनल देख के सुशांत को जस्टिस नहीं, सुशांत CBI नहीं आई थी, रिपब्लिक भारत ने CBI फॉर SSR कैंपेन चलाया था, इसके लिए CBI आई थी, पब्लिक की आवाज़ देख के CBI आई थी, पब्लिक की आवाज़ देख के बिहार के नेताओं ने उधर अमित शाह जी को लेटर लिखा था, ये सब एक्शन हुआ था एक्शन की वजह से। सो प्लीज एक्शन की बात मैं लास्ट में इसलिए करता हूं कि प्लीज सेंड द लेटर, ओनली 3 days आर रिमेनिंग। 21 तारीख को ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह राजपूत करूंगा मैं, क्योंकि 6 महीने हो चुके होंगे वापस, और 22 तारीख या 23 तारीख को हम लेटर भेजेंगे। सो 3 या 4 दिन ही बाकी है, सो प्लीज सेंड मी द लेटर, इट्स ऑल अबाउट द एक्शन, आई विल ट्राई all the way to get justice for Sushant Singh Rajput, and you have to try all the way to get justice for Sushant Singh Rajput. We will get justice for Sushant Singh Rajput. Thank you so much.